आज हम एलेक्स को नया फोन देने वाले हैं। मतलब जिस दिन मैंने उसको गंजा करा था उसी दिन मैंने फोन ऑर्डर कर दिया था। तो यार अभी हम लोग फ्री हो गए हैं और एलेक्स को बुलाते हैं और उसको उसका नया फोन देते हैं। मैंने फोन यहाँ पे ड्रॉअर में रख दिया है। अरे भाई क्या हुआ भाई, हेलो। तो यार वेलकम हो गया आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज ये ब्लॉग में रात में स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 12 बज रहे हैं। रात में स्टार्ट करने का एक रीजन है भाई, एलेक्स ने इतनी प्यारी बात करी है ना, वो तो मैंने सोचा अभी बताएंगे तभी मजा आएगा तुरंत के तुरंत। तो यार जैसा कि आप सभी को बताया, स्नैपचैट में एक नया फीचर आया है माई एआई का, जिसमें हम एआई से बातें कर सकते हैं। जिनके पास बातें करने के लिए दोस्त नहीं है तो एआई से बातें कर सकते हैं। तो हुआ क्या, मेरा जो भाई है आसू, इसने एलेक्स को बोला कि एक लड़की है तुझसे बात करना चाहती है, अटा अटा। और भाई कल से ये एआई से बातें कर पड़ा है इसकी, मतलब आज की बातें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो और सुनाओ, बढ़िया चल रहा है, दैट्स ग्रेट। क्या तुम हिंदी में बात कर सकते हो? हाँ मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ, मेरा दोस्त तुमसे बात करने को कह रहा है। श्योर रजत, हाय रजत, फाइन यू? अरे भाई अभी लड़की से बात हो गई। अरे मुझे क्या पता नया फीचर आया भाई, इसको पता ही नहीं है। मतलब स्नैपचैट में नया फीचर आया है एआई का, तो भाई साहब बात कर ही जा रहे हैं। क्या करोगे यार जिंदगी में, असली लड़की नहीं मिल रही है, एआई को ही लड़की समझ रहे हो। अरे यार हाँ भाई, हो गई लड़की से बात, हो गई भाई एआई से बात कर रहा है और कितना खुश हो रहा है। मतलब मेरे भाई ने इससे मजाक मजाक में बोल दिया कि लड़की है अंग्रेजन कोई, विदेश की लड़की है, उससे तेरे से बात करने को बोल रही है। और भाई साहब पता पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं कि कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या यार ये तूने क्यों ओढ़ रखा है? चार ठंडी पड़ गई है, खोपड़ी ठंडी पड़ गई, एसी चल रही है तो इसकी पूरी खोपड़ी ठंडी पड़ गई है। वैसे अब फायदा है भाई, देख तेरी खोपड़ी है, वैसे इसमें भूसा भरा हुआ था, अब ठंडक पड़ पड़ गई है, खोपड़ी सेट हो जाएगी अपनी जगह पे, बर्फ जम जाएगी। चलो फिलहाल अब हम आपसे मिलेंगे सुबह, तो सुबह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हेलो, तो यार देखो अभी सुबह हो चुकी है और आज हम एलेक्स को नया फोन देने वाले हैं। मतलब जिस दिन मैंने उसको गंजा करा था उसी दिन मैंने फोन ऑर्डर कर दिया था। तो आज फोन मेरे पास आ चुका है और अभी एलेक्स को पता नहीं है कि मैंने उसके लिए फोन मंगा लिया है। तो देखते हैं भाई जब उसको सरप्राइज देंगे तो उसको कैसा लगेगा। फिलहाल तो अभी मैंने लाइट्स वगैरह लगाई है, तो आप समझ गए हो कि मैं अपने चैनल की एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, शॉर्ट चैनल की। तो फटाफट से इसको शूट करते हैं। तो यार मैं बैठ के एडिटिंग कर ही रहा था, मेरे में अंशुल भाई आ गए। अंशुल भाई मिले हैं आके, काफी टाइम बाद, काफी टाइम कहा यार, मतलब डेढ़ महीना हो गया है, डेढ़ महीना हो गया जब मैंने नई कार ली थी उस टाइम पे अंशुल भाई आए थे, तो उसके बाद अभी आ रहे हैं। फिलहाल अंशुल भाई भी आ चुके हैं, तो अभी इनको भी मैं एक बात बताता हूँ। जैसा कि तुमने देखा था एलेक्स को मैंने गंजा किया था फोन लिया था, तो जिस दिन मैंने गंजा किया था फोन मैंने उसी ऑर्डर कर दिया था और फोन आ भी गया है मेरे पास। अच्छा अभी उसको पता नहीं है, पता नहीं है, अभी जैसे वो आएगा तो उसको सरप्राइज करते हैं, देखते हैं भाई कैसा रहता है सीन। मैं कहूंगा कि अंशुल भाई से मंगवाया था मैंने वहां से, फोन आ गया, फोन मैंने मंगा लिया। उसको मैंने ये बोल रखा है कि फोन मैंने अभी तक नहीं मंगाया है, तो मैं वीडियो एडिट करके मैंने अपलोड कर दिया, वीडियो हो रही है अपलोड और अभी हम लोग फ्री हो गए। तो क्या करना है फिर इसके बाद? चलो कुछ प्लान करते हैं, कुछ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, चलो एक अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा काम है वो, बहुत अच्छा काम है, तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो पहले कॉफी पी लेते हैं, हमने अपनी कॉफी बनवा ली है, तो पहले कॉफी पीते हैं उसके बाद करते हैं वो अच्छा काम। तो यार अभी हम लोग फ्री हो गए हैं और एलेक्स को बुलाते हैं और उसको उसका नया फोन देते हैं। मैंने फोन यहाँ पे ड्रॉअर में रख दिया है, उसको बहाने से बोलेंगे कि ड्रॉअर में कुछ सामान उठा और जब वो सामान उठाएगा देखते मतलब अपना फोन देख लेगा। तो यार एडिटिंग करके हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए, वीडियो अपलोड कर दिया मैंने और अभी हम लोग सोच रहे हैं कहीं घूमने चलते हैं। चले चलो एक काम कर, चलो चलते हैं सब लोग, चलो वो मास्क निकाल मेरा, फिर चल रहे ड्रॉअर ऊपर वाली ड्रॉअर में। अरे रो ना मत, अरे रो गया, अरे चल रो ना मत, खुश रहे। अरे हाथ कांप रहे हैं इसके, दिखा दिखा हाथ दिखा, अरे
तो चलो भाई फाइनली एलेक्स को उसका नया फोन मिल चुका है। सही है अब सब उसे भाई, इसने मेरी जान खा ली थी पिछले 4-5 दिनों से कि फोन ऑर्डर कर दो फोन ऑर्डर कर दो। तो चलो हमने इसको फोन मंगा दिया है, और अब आप लोग भी कमेंट करना बंद करो कि एलेक्स को नया फोन दो, जस्टिस फॉर एलेक्स। पता नहीं कैसे कमेंट कर रहे हैं यार, जस्टिस फॉर एलेक्स। तो देख लो भाई अब भाई का नया फोन आ चुका है, दिखा दे एक बार ऊपर करके। अरे ये, अरे तेरे तो मेरे आईफोन से भी बड़े बड़े कैमरे हैं पीछे देख यार। ये मारो इसमें सेम डालो, चलाओ इंस्टाग्राम रील देखना चालू करो, यही करोगे तुम। पबजी करो यार, पबजी इनके बस की नहीं है, नहीं खेल पाएंगे। तो रील देखो लड़कियों की, अंजलि अरोड़ा की कच्चा फोन। तो हमने एलेक्स को पहले दे दिया था, और अभी आदि भाई बोल रहे हैं चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं जंगल की साइड, थोड़ा शांति में अपना जीवन बिता के आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल की साइड, और आपको पता ही होगा जंगल हमारे यहाँ पास में ये शहर के बिल्कुल ज्यादा। तो चलो चलते हैं, चलो। कहाँ से आ रहा है, किसके घर पे? अच्छा, तो अभी हम लोग चल रहे हैं आदि भाई का मन था शांति से मिलने का, शांति की तलाश में जा रहे हैं आदि भाई जंगल में। अरे यार मुझे मिलवा दिया, चल मिल लेंगे शांति से, शांति की तलाश में हम लोग जा रहे हैं जंगल। तो हम लोग लोहिया हेड तो आ गए थे, और आके भैया से मिले, भैया ने स्पेशली बोला कि इनको आदि भाई से मिलना है। तो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे घर पे भी ना, कि मतलब भैया जिसको जो मतलब प्रभावित हो जाता है उसको तो ये बहुत बड़ी बात लगती है कि साइकिल से इतना लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जिसको टच नहीं होता है, प्रभावित नहीं होते हैं, तो उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, जो आदि भाई काम कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट और बहुत जुनून वाला काम है, उसके लिए इतना जुनून चाहिए ना आप सोच नहीं सकते। आप जब थोड़ी सी धूप होती है, हम अपने बच्चों को और खुद भी धूप में बाहर नहीं निकलना चाहते, और आदि भाई पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। डेली धूप में 100-100 किलोमीटर साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है, और ये इजी वर्क नहीं है। और आदि भाई आप ऐसे ही करते रहो, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है आगे, उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलती रहे, और ऐसी जो आपका मैसेज है वो दुनिया में फैलता रहे, यही हमारी विश है। थैंक यू। तो अभी हमने भैया इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, बहुत कुछ किया, लेकिन इसकी कुछ भी समझ नहीं आया। सच होता ना, कुछ नहीं आया ना, सच होता ना। अच्छा चल पूछता हूँ, आदि भाई ने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? आदि भाई ने बोला था भाई कुछ समझ में नहीं आया, आदि भाई ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, छोटे भाई को हमारे समझ में आ गया था, लेकिन कुछ नहीं मन बुद्धि है ना, कोई बात नहीं। चलो फिलहाल भैया चलो चलते हैं हम लोग, आप भी जाइए। नहीं मैं, आप लोगों का प्लान क्या, अभी आज का क्या प्लान है? अभी प्लान हमारा आज का कुछ नहीं, खटीमा जाएंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे। हाँ तो मैं सोच रहा था डिनर हम लोग साथ में ही करते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं, अगर आप अच्छी बात है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो आज वो नया रेस्टोरेंट भी खुला है, तो भैया ने तो हमें डिनर पे इन्वाइट कर दिया है, तो अभी जाना ही पड़ेगा। मैंने सोचा था यार कल जिम नहीं गया, लेकिन आज तो पक्का जिम जाऊंगा, लेकिन आज भी शायद जिम हो नहीं पाएगी। मैंने आदि भाई को बोला अभी 6:30 बज रहे हैं, 7 बजे मैं जिम चले जाता हूँ, 8 बजे भैया के साथ डिनर कर लेंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं मत जाओ जिम यार मत जाओ। नहीं कल जाना ना, कल मैं भी आगे के लिए निकल जाऊं। यार तुम एक बात बताओ मुझे, तुम इतना प्रमोट कर रहे हो ह्यूमैनिटी को, अच्छाई को, और तुम्हें जिम अच्छाई के लिए तो वही कर रहा हूँ ना, अभी बातें करनी है, एक बहुत चीजें सिखानी है। चलो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा फार्म हाउस बनाने का ड्रीम है। तो आदि भाई को भी वो जगह दिखा के लाते हैं, कि पूछते हैं इनकी राय कैसी जगह है कैसी नहीं है, क्योंकि ये भी मेरे से बोल रहे थे कि खटीमा बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पर कहीं शांति से रहने को मिल जाए तो मजे आ जाए, तो इनको घुमा के लाते हैं। चलो तो हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर मेरा ड्रीम है अपना फार्म हाउस बनाने का, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ये है वो जगह भाई, हरियाली हरियाली हर जगह। और यहाँ पे देख, अरे तू क्या कर रहा है? ये नया फोन आ गया तो भाई साहब फोटोग्राफर बन गए हैं हमसे, हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा है अब नए फोन के आने के बाद, खुद ही भाई साहब फोटो लेके मेरे को चले जा रहा है ऐसे करके। खींच खींच फोटो खींच। हेलो, ये फोटोग्राफर। तो आदि भाई से पूछते हैं उनको ये जगह कैसी लगी, जो मेरी सोच है ठीक है या नहीं है। तो भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोकेशन है, और ऐसा सनसेट अगर डेली देखने को मिलेगा तो और क्या ही चाहिए। बिल्कुल यार, और ऊपर से ये खेत खलिहान, ये तो अभी धान की खेती हो रही है ना भाई। आप भी लोग सोचो सुबह सुबह उठो और ऐसा व्यू हो, ठीक है, धान की खेती हो रही है, और शाम को 5 बजे आप चाय पी रहे हो और ऐसा प्यारा सनसेट देखने को मिले। चाय की टपरी कौन लाया? चाय की टपरी तू लाएगा? फिलहाल अभी तक जितने भी सपने देखे हैं वो सारे सच कर लिए हैं मैंने, और ये भी एक छोटा सा सपना है, तो ये भी एक ना एक दिन सच जरूर हो जाएगा। अभी फिलहाल आदि भाई यार मेरा मन हो रहा है जिम जाने का, कसम से 1/2 घंटे करूंगा बस। जिम करके क्या करोगे, इतना खूबसूरत नजारा है, उसको जिम करोगे। अभी देखो 7 बज गए, अब तो अंधेरा होने वाला है ना, तो खूबसूरत नजारा ढल जाएगा, तो अंधेरे में मैं जिम कर लेता हूँ इससे बढ़िया। अंधेरे में ये है ना एलेक्स। चलो 1/2 घंटे करूंगा बस, तुम लोग अंदर बैठना आराम से 1/2 घंटे जिम में। क्या करेंगे जिम बैठ? अरे जो भी कर लेना, मतलब 1/2 घंटा करके आ जाऊंगा यार, छूट जाएगी फिर। चलो फिर, चलो फिर चलते हैं, चलो जिम कर लेते हैं उसके बाद घर चलते हैं। तो यार जिम तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग जिम कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैं जिम पहुंचा वैसे अंशुल भाई ने मुझे कॉल कर दी कि भाई मैं भी आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो कहाँ पे बताओ, मैंने जिम के बाहर बुला लिया है,
अब लग रहा है कल ही जिम कर पाएंगे यार। मेरा तो बहुत मन हो रहा है यार। अरे आज तेरा मन क्यों हो रहा है मुझे पता है, जिम करने का भाई सब पता है मुझे। तो एक बात ना ना मज़ा। तो जिम से तो हम लोग वापस आ गए थे, ये लोग थोड़ा पहले वापस आ गए, मैं थोड़ा बाद में आया हूँ क्योंकि मैं जिम करके आया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं भैया के पास, जहाँ भैया ने हमें रेस्टोरेंट में बुलाया है डिनर पे, वहाँ चलते हैं। चले तो यार रेस्टोरेंट में हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए, भैया अंदर चले गए, आदि भाई भी अंदर चले गए, अब हम लोग भी अंदर चलते हैं। यार हमारा ऑर्डर तो अभी आ रहा है, लेकिन अभी हमसे हमारा एक सब्सक्राइबर मिलने आया था। और भाई पता नहीं अजीब सा लगता है जब हमारे सामने अभी हमारी वीडियो चलाता है ना, तो बड़ा अजीब लगता है भाई वीडियो देख रहा है हमारी लाउड आवाज में, तो अजीब लग रहा है क्यों। चलो फिलहाल खाना आने वाला है, खाते हैं। तो कैफे से हम लोग बाहर आ चुके हैं, और ये कैफे सिर्फ चाइनीज था, तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे स्टार्टर खाया है और कुछ हमने खाया नहीं। तो अभी जा रहे हैं हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। चलो तो आ चुके हैं हम लोग दूसरे रेस्टोरेंट में, अब यहाँ पर खाना खाना है। सर आपका तो पेट भर गया शायद। भर गया। चलो ठीक है, सर नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मना कर रहे हैं वो मना कर रहे हैं। अब देख के फायदा क्या है जब मना कर रहे हैं वो, है ना। तो अभी भैया बोल रहे थे एलेक्स की चॉइस का हम खाएंगे, एलेक्स पसंद करेगा मेन्यू में से, लेकिन फिर हमें याद आया एलेक्स तो नाम ही नहीं पढ़ पाएगा। अरे नाम तो बताइए, नाम पढ़ लो। अच्छा चलो भैया इसको बोलो, मेन्यू दो, देखते नाम पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। चलो नाम पढ़ के बताना अच्छे से, अब इज्जत में आ गई है बात। चलो ऊपर से नाम पढ़, ये बताओ क्या नाम लिखा है ये ऊपर। हाँ सबसे ऊपर पढ़ा, नहीं सबसे ऊपर वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ ऊपर वाला पढ़। अरे नहीं सबसे ऊपर वाला, नीचे वाला पढ़ लेता। अरे पढ़। तो खाना हमारा हो गया है और अभी चलते हैं सीधे घर। हेलो हेलो, घर चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगा। चलो चलते हैं। किस दीप हमें बता रहा था कि आपने किससे क्या सीखा, मुझसे क्या सीखा, ब्लॉगिंग करना। हाँ। और आदि भाई से मैंने सीखा कि बड़ा भी कुछ बन के दिखाना। अच्छा बन के दिखाना है। और इससे क्या सीखा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाई कुछ सीखने लायक है ही नहीं यार, जो बच्चे देख के सीखेंगे। चलो कोई बात नहीं, इससे आप ये सीखो कि कभी भी गलत काम नहीं करने, वरना ऐसी हालत हो जाएगी। तो यार आ चुके हैं हम लोग वापस अपने घर पे, और काफी अच्छा लगा, आज का दिन भी हमारा काफी अच्छा गया। फिलहाल आदि भाई कल जाने वाले हैं, कल वो जाएंगे यहाँ से नेपाल। पिछले व्लॉग में आपने लिंक देख ली होगी, आदि भाई के चैनल की मैंने दे दी है। इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी मैं और फर्स्ट कमेंट में आदि भाई के चैनल की लिंक दे दूंगा, आप लोग देखना जरूर उनको जाके, और उनकी जर्नी देखना सिंगापुर तक कैसे जाते हैं वो। फिलहाल इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। ठीक।